नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करते हैं आपको अमित विष्णु इंस्टीट्यूट में। आज हम तार सप्तक के बारे में और तार सप्तक को कैसे फ्लूट में बजाए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने सप्तक के काफ़ी सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं और कुछ क्वेश्चन आए थे आपसे, तो उसी को लेके आज ये वीडियो। तार सप्तक बजाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ रहे हैं। ये पिछले हफ्ते के जो वीडियो है वो देख के बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे। तो तार सप्तक प्ले करने के लिए बहुत लोगों ने कहा कि सर, मैं जब प्ले करना चाहता हूँ तो सा का साउंड थोड़ा बहुत आता है, फिर रे और गा इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसको थोड़ा समझाए कैसे हम इसको ठीक करें। तो देखिए, सब सारे कुछ है आपके ग्रिफिंग के ऊपर। देखिए, बहुत टाइम होते हैं आपने बोला कि सा का साउंड ठीक है, तो मैं सा ही से शुरू करता हूँ। तार सप्तक का सा ठीक है। अभी रे में आपका प्रॉब्लम है, तो रे में अगर आपका प्रॉब्लम होता है तो कुछ देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि नहीं, प्रॉब्लम क्या आपको हो रहे हैं? अगर यही आपके प्रॉब्लम है तो आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपना उंगलियों को देखिए ठीक से, कि उसके बीच और ये जो छेद होते हैं, दोनों छेद, इन दोनों में से कोई गैप तो नहीं है। अगर कोई गैप है, मैं जब कोई भी गैप छोड़ के ये अगर बजाने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, वो रख के मैं बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, तो एयरी साउंड आएगा। ठीक है, अभी इसको अगर चाहते हैं ठीक करने के लिए, तो इसके ऊपर अच्छे से आपको देखिए बैठाना होगा। तो अभी जो है देखिए, ये साउंड आ गया। ठीक है, तो और एक चीज़, सारे गा जो गा आप जब प्ले करना चाहते हैं तार सप्तक में, तो कभी प्रॉब्लम आता है, बहुत लोगों ने पूछा है सर, साउंड ईआर आता है, यानी उसमें एक अलग किस्म का साउंड आता है, तो उसको कैसे ठीक करें? सबसे अच्छा होता है, देखिए, अगर पहली टाइम में साउंड अगर आपको ठीक से नहीं आ रहा है तो आप इसका मदद ले सकते हैं। ये जो होल है इसको हल्के से ऐसे प्रेस करके अपना तार सप्तक का रे बजाने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऐसा साउंड हो सकता है। अभी इसी को तार सप्तक में बजाने की कोशिश करते हैं, एक साउंड है। अभी इसको लगा के जब प्ले करेंगे, देखिए साउंड में बहुत चेंजेस आए हैं, काफ़ी स्थाई साउंड आपको मिल सकता है, प्योर साउंड आपको मिल सकता है। ठीक है, ये छोटे छोटे टिप्स है, आप जब प्ले करना चाहते हैं तो ये सारे आपको हेल्प करेगा। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको काम आएगा। तो जिसके हमने कहा था पिछले हफ्ते के वीडियो में कि तार अति तीव्र सप्तक का सा और रे के बारे में आपको बताया था, सा रे, अभी गा को, गा और माँ, ये दोनों फिंगर पैटर्न क्या है, होल्डिंग टेक्निक क्या है, ये आपको सिखा देते हैं इस वीडियो के साथ ही। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपको सा बजा के फिर एक बार दिखा देते हैं, ट्रेडिशन दिखा देते हैं। देखिए, गा जो है, पा जो बजता है वही वैसे ही आपको गा बजाना है। अभी माँ जो है, माँ के लिए जो आप रे बजा रहे थे उसके बीच से ये वाला उंगली को थोड़ा हल्का सा ऐसा खोलना पड़ेगा। देखिए, अभी रे बजेगा। ठीक है, सॉरी, माँ बजेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ये माँ का साउंड मिलेगा आपको। सारे गामा
एक बार बचा के सुनाते हैं। देखिए सा तो सारे गामा तक की प्रैक्टिस आप जरूर घर में कीजिए, और बाकी जो पा धानी सा, ठीक है, पा धानी है, ये तीनों को हम नेक्स्ट वीक में आपको दिखा देंगे। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी रोटेंगे। कैसा वीडियो लग रहा है आपको, ये सारे जो वीडियो हम बना रहे हैं उसके बारे में कुछ अच्छा सुझाव अगर आपके पास है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। बेस्ट ऑफ लक।